किसान बुनकर उम्र 53 साल। आपके साथ बिना गांधी भारत के बारे में सोचना भी असंभव बना दिया। हम नई पीढ़ी के लोग यह समझना चाहते हैं कि कैसे आपने इस देश को जगा दिया। मोहन को अंधेरे से हमेशा डर लगता था। उसे लगता था कि रात के अंधेरे में कोई भूत आ जाएगा और उसे पकड़ लेगा। उस रात को बहुत अंधेरा था और उसे दूसरे कमरे में जाना था। उसने यत्न किया परंतु वो अपनी जगह पर जम सा गया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी दाई अम्मा दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसने हंसकर पूछा, क्या हुआ बेटा? दाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर बेटा? देखो इतना अंधेरा है, मुझे भूतों से डर लगता है। अंधेरे में वो मुझे पकड़ लेंगे। मोहन की आवाज डर के मारे कांप रही थी। रम्भा ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा। अरे, अंधेरे से भी कोई डरता है? मेरी बात सुनो, राम जी को याद करो, फिर कोई भूत तुम्हारे पास नहीं आएगा, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। सच? राम जी मेरी रक्षा करेंगे? तो फिर मैं राम जी के नाम का जाप करूंगा। रंभा की बातों ने मोहन को साहस दिया और वो राम नाम जपते हुए कमरे से बाहर निकला। और उस दिन से ना मोहन कभी घबराया और ना उसने कभी खुद को अकेला पाया। राम जी जो उनके साथ थे और इसी विश्वास ने गांधी जी को पूरे जीवन ताकत दिया। भारतीयों को शुद्ध समझा जाता था तथा हिंदा से देखा जाता था और उन्हें कुली बुलाया जाता था। जल्द ही गांधी जी को भी यह अनुभव सहना पड़ा। गांधी जी रेलवे के प्रथम श्रेणी से प्रिटोरिया जा रहे थे और बीच में एक यूरोपियन यात्री वहां दाखिल हुआ और उसने गांधी जी को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकल जाओ यहाँ से। लेकिन मेरे पास यहाँ का टिकट है, मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। लेकिन ये कोच सिर्फ गोरों के लिए है, तुम यहाँ से निकलो वरना मुझे स्टेशन मास्टर को कंप्लेन करनी पड़ेगी। मेरे पास इसी श्रेणी का टिकट है और मुझे यहाँ बैठने का पूरा हक। उस आदमी ने स्टेशन मास्टर से शिकायत की। इस कुली को उठा निकालो और उसको फिर से दर्जे में डालो। गांधी जी ने उनसे बहस करने की कोशिश की पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है। अब मुझे समाज साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। पुलिस वाले ने गांधी जी को उनके सामान के साथ बाहर धकेल दिया। ट्रेन चली गई। गांधी जी ने कड़ी सर्दी में रात गुजारी लेकिन उन्होंने अपने सामान को छुआ तक नहीं। इस घटना ने उनके जीवन का रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने ऐसे अन्याय के विरुद्ध सत्य के हथियार का प्रयोग किया और आगे इसी हथियार को सत्याग्रह का नाम दिया गया। बहुत दुखी हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना महान व्यक्ति
कुर्ता भी नहीं पहनता। वो गांधी जी के पास गया। गांधी जी, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बेटा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता। आप चिंता ना कीजिए, मेरी माँ आपके लिए नया कुर्ता सिलवा देगी। तुम्हारी माँ ठीक है, पर वो मेरे लिए कितने कुर्ते सिलवाएगी? जितने आप चाहो। सिर्फ मैं अकेला ही कुर्ता पहनूं, ये अच्छा नहीं लगता। मेरा परिवार बहुत बड़ा है बेटा। क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ भाई बहनों के लिए कुर्ते सिलवाएंगी? वो लड़का एकदम सोच में पड़ गया। उसे ये एहसास हुआ कि गांधी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और खुद को उस परिवार का एक मुख्य।
ये रखना।